सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कौशिक हॉर्टिकल्चर फार्म पे। किसान भाइयों, इससे पहले की भी जो वीडियो कवर की है उसमें हमने बेड बनाने का और प्याज की नर्सरी रोपाई करने का वीडियो दिखाया था। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इरिगेशन की दिखा रहा हूँ। किसान साथियों, इस खेत के अंदर मैंने अपने फार्म की वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पूरे खेत के अंदर ड्रिप लाइन बिछा दी है, एक बेड पर दो लाइन बिछाई है। बेड का कल्टीवेशन पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ, 3 फीट का बेड है और दो लाइन ड्रिप की हमने डाली है इसके ऊपर। प्याज के अंदर आज पहला दिन है इरीगेशन करने का, शुरुआत कर दी हमने पानी देने की। ये देखिए पूरे फार्म पे पूरे सभी बेडों पे आप देख रहे होंगे दो दो नली हमने ड्रिप की लगा दी हैं और इसको अभी 1 घंटा हुआ चलते हुए। आप नमी इसकी देख लीजिए, जो पानी की नमी है वो लगभग लगभग 1.5 फीट कवर करने को है। ये देखिए ये ड्रॉपर आप देख रहे हैं, ये 2.5 LPH का ड्रिपर है और 40 सेंटीमीटर की ड्रिप है, जैन इरिगेशन की ड्रिप है। ये देखिए अच्छा, इसका डिस्चार्ज बहुत अच्छा है और जो नमी है वो भी प्रॉपर। ये जो 3 फिट का बेड है ये बिल्कुल आराम से कवर कर लेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा चलानी होती है, 3-4 घंटे में पूरा बेड भीग जाएगा, किनारे तक नमी आ जाएगी और पूरी जितनी भी नर्सरी है प्याज की जो प्लांट है सबको मॉइस्चर मिलेगा। तो इसमें दूसरा कुछ नहीं, आज इरिगेशन हम कर रहे हैं। आज पहली बार हमने ड्रिप पिच के अंदर चलाई है और पूरे फार्म के अंदर ड्रिप लगा दी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा इरिगेशन हो रहा है ड्रिप सिस्टम से और बेड के ऊपर प्याज भी हमने पहली बार लगाई है। वैरायटी का मैंने बता दिया था, बलवान वैरायटी है, देसी में किसान बलवान लांबा जी की तैयार की हुई वैरायटी है। और कल्टीवेशन का बता दिया था, 3 फिट के बेड हैं। आज इरिगेशन का आपको बता दिया कि आज हमने पहली बार इसमें ड्रिप लाइन डाल के पानी चलाया है। ये देखिए, इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी नए साथी ड्रिप से खेती करना चाहते हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर उनकी नॉलेज इम्प्रूव होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।